मेरे इस चैनल पर सभी आने वाले दर्शक श्रोता सबको सादर सप्रेम नमस्कार। 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का ये अल्पकाल 90 वर्ष का स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, बहुत लंबा लेंगे तो राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक आना पड़ेगा। और अभी मैं इस 90 वर्ष के काल के अंदर केवल आपके सामने उन लोगों को लाने का प्रयास कर रहा हूं जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को नशावर कर दिया, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहुत कर दिया, आखिरी श्वास तक लड़ते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, सब कुछ अर्पित कर देने वाले वो मौन तपस्वी, वो नीम के पत्थर जिनके ऊपर आजादी का महल खड़ा हुआ, उनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। आजादी के बाद जिन लोगों को शासन मिला वो काले अंग्रेज, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी उनके ऊपर 50 तरह के डाउट किए गए थे, क्योंकि उस संस्था को, कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज था, उसका कुछ हेतु था। अंग्रेज अपने लिए दुश्मन थोड़ा कोई बनाएगा, अपने लिए सहायक बनाएगा ना। इसलिए आगे जाकर के देखा हमने, गांधी उनको सूट करता था, नेहरू और मोतीलाल नेहरू और ऐसे और भी कई लोग अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर्स ने क्या क्या किया। मैंने अभी जो 1857 से रानी झांसी से लेकर आगे बढ़ते हुए 1924-25 का बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस में एंट्री, लेकिन कांग्रेस को पचा नहीं, लाल बाल पाल का इतिहास अलग है। उसी के अंदर क्रांतिकारियों ने इकट्ठे होकर के उसी कांग्रेस लखनऊ सम्मेलन में क्रांतिकारियों के आने का कारण था बाल गंगाधर तिलक। क्या बोले थे? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये उद्घोष करने वाले, सिंह गर्जना करने वाले पहले महाराष्ट्र केसरी बाल गंगाधर तिलक थे। आगे की सारी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं एक एक करके। अभी 1924-25 के उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी केस जो हुआ, शाही खजाना लूटने का जो पर्पस था, उसके पहले कुछ और भी प्रयास किए गए, शस्त्र लेने थे, अंग्रेजों को शक्ति से भगाना था, और उस बड़े शस्त्र संग्रह के लिए बड़ा धन संग्रह कैसे होगा, तो वो काकोरी का केस। बहुत डिटेल में, विस्तार में मैं हर उस महान क्रांतिकारी को सामने रखते हुए, रामप्रसाद बिस्मिल के बाद अशफाकुल्ला खान और शचिंद्रनाथ बख्शी का मैंने कल शुरू किया है, इस बीच में भी मैंने एक दो और क्रांतिकारियों को आपके सामने रखा है। 10 उन साथियों को एक एक करके मैं आपके सामने ला रहा हूं। उन्हीं में से एक शचिंद्रनाथ बख्शी, जिनको हमने कल जानना शुरू किया था, वो नीम के पत्थर जिनको कोई नहीं जानता, और क्या कमाल करने वाले लोग, शचिंद्रनाथ बख्शी। शचिंद्रनाथ बख्शी जो थे वो काकोरी कांड के बाद, बाकी लोग तो अनेक साथी उनके गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट हो गए, परंतु शचिंद्रनाथ बख्शी अरेस्ट नहीं हुए, अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड लाइफ कैसी होती है, बहुत कष्टदायक होती है, पीड़ादायक होती है, अनिश्चितता की तलवार हमेशा गर्दन के ऊपर लटकी रहती है, पुलिस की बहुत सारी आंखें पीछा कर रही होती हैं, और अंडरग्राउंड लाइफ में केवल बचना पर्याप्त नहीं होता, काम भी करना होता है, वो संगठन का कार्य हो,
वो जो भी गतिविधियां हैं उन सबको लाइवली रखना पड़ता है, जिंदा रखना पड़ता है, इसलिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है ताकि वो सारे सूत्र जुड़े रहें। सब लोग अगर अरेस्ट हो गए और सब लोग अरेस्ट कर लिए गए तो फिर कमर टूट जाती है उस आंदोलन की। तो उसका कोरी केस से पहले ही सारी बातें तय हुई थी, कौन पैसा लेके कहाँ जाएगा, कौन हथियार कहाँ से लेगा, बॉक्स तोड़ने के बाद जो मनी पैसा होगा उसकी कलेक्शन कहाँ होगी, और फिर कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, ये सब तय था। सचिंदर नाथ बख्शी अंडरग्राउंड लाइफ के अंदर ये सारा कार्य संपन्न कर रहे थे, पुनर्संगठन हो रहा था, नए क्रांतिकारियों को जोड़ रहे थे, क्योंकि उनके कुछ साथी लखनऊ जेल में बंद थे, कईयों को सजा सुनाई जा चुकी थी, कईयों को सुनानी थी, लेकिन वो बहुत सारे लोग उनके वहां बंद थे, ये भी उसी का हिस्सा थे, लेकिन ये अंडरग्राउंड थे। अंडरग्राउंड लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा मजेदार किस्सा एक है इनके जीवन का। ये एक डॉक्टर के पास गए, डेंटिस्ट के पास जाकर के बोला कि ये मेरे मुख में एक दांत के ऊपर दूसरा दांत उगा हुआ है, इसको हटा दो ना। डॉक्टर ने देखा, सारा देखने के बाद कहा कि भाई ये तुम्हारा जन्म से है, बहुत मजबूत है, ये रहने दो, ये उखड़वाना बड़ा कष्टदायक होगा, पीड़ादायक होगा और बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, इसलिए तुम्हारा काम चल रहा है ना। लेकिन ये तो डॉक्टर के पास किसी और हेतु के लिए गए थे, कारण ये जन्म से दूसरा दांत एक के ऊपर होने के कारण इस पहचान से ये बचना चाहते थे, पुलिस की आंखों में वो चेहरा दांत वाला, डबल दांत वाला, उससे बचना चाहते थे। अब डॉक्टर ने तो अपनी बात डॉक्टर के तरीके से जो उनको ठीक लगा कही, इनको लगा कि ये ऐसे नहीं उखड़वाने वाला। डॉक्टर बड़ा नामी था, प्रसिद्ध था, और देश हित के लिए फिर एक झूठ भी तो बोलना पड़ा ना। थोड़ा छल कपट से सामने आते हुए कहा कि डॉक्टर असली बात सुन लो मेरी, मेरा एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसने शादी के लिए ये कंडीशन रखी है, शर्त रखी है कि अगर दांत तुम्हारा ठीक नहीं होगा, दांत अगर ये नहीं निकलवाओगे ऊपर वाला जो है, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब इस बात को सुनकर, यद्यपि इस बात के अंदर कोई वो नहीं था, सत्यता नहीं थी, परंतु देश हित में उसको खड़वा करके पहचान से बचने के लिए कुछ झूठ बोलना पड़ा तो बोला। और डॉक्टर को एक बात उसने और कही, उसने कहा बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये, उसने कहा आपका 1 रुपया ऑपरेशन का रेट है, मुझे पता चला, उन दिनों की बात है, मैं आपको 10 दूंगा, लेकिन आप ये करो, जितना नुकसान होगा मेरा कोई बात नहीं, पर आप ये करो, मेरी शादी का सवाल है, आपको कोई तरस ही नहीं आ रहा मेरे पर, ऐसा कुछ बोलते हुए और 10 रुपये का लालच देते हुए डॉक्टर ने कहा कि ठीक है। पूरी सावधानी के साथ डॉक्टर ने एक लंबा समय लगा उसको, पर सफल ऑपरेशन हो गया। सफल ऑपरेशन के बाद 1 रुपया उसका रेट था, लेकिन 10 रुपये उसके हाथ, चूंकि प्रॉमिस था, वचन था, 10 रुपये उसके हाथ में रख के जाने लगे और बोले बोले सचिंदर नाथ बख्शी, क्या बोले, देखो ये मैंने शादी के लिए, टोटल शादी मैंने 10 रुपये में करनी थी, अब तुम सारे पैसे मेरे से ले लोगे तो मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बना पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा उसको, तो भी तो उसने 5 रुपये इसको वापस कर दिए, डॉक्टर ने सचिंदर नाथ बख्शी को 5 रुपये वापस कर दिए। लेकिन अभी 4 ही कदम वो गया था आगे, तो उसको बुला करके कहा कि भी अब तू मुझे असली कहानी बता, बात ये नहीं है,
ये शादी, ये 10 रुपये, ये 5 रुपये, ये 1 रुपया, ये सब नहीं है, कुछ और है। तो सचिंद्र नाथ पक्षी ने डॉक्टर को इतना ही कहा कि और तो मैं कुछ नहीं बता सकता, पर ये पैसा देश हित में काम आने वाला है। मैं क्रांतिकारी हूं ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं देश के लिए समर्पित एक व्यक्ति हूं, शुद्ध आचरण है मेरा, और ये पैसा मेरे उस कार्य के लिए, देश हित के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए लगने वाला है। भूल जाओ शादी को। तो उसने वो सारे के सारे 1 रुपया भी नहीं रखा, वो 10 के 10 वापिस कर दिए। ये सब करवाने के बाद कोई शादी तो होनी नहीं थी, ये बिहार में आ गए। बिहार में पहुंचे कुछ दिन ये हजारीबाग रहे, फिर भागलपुर में आ गए, और भागलपुर आते ही पुलिस पीछा कर रही थी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके चूंकि काकोरी केस पर जिन पर भी मुकदमा चलता था उनको लखनऊ जेल में रखा जाता था, मुकदमे को सेंट्रलाइज किया गया हुआ था, गिरफ्तार करके इनको भी लखनऊ में लाया गया। वहां पर अभी अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई नहीं गई थी, मुकदमा चल रहा था। ये जब उस जेल में गए तो अशफाक उल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी ने आंख से आंख नहीं मिलाई। जरूरी था कि अंग्रेजों को ये पता ना चले कि भी हम एक ही केस के अंदर दोनों शामिल थे। एक ही जेल के दो कोनों में इनको रखा गया। अंग्रेजों को था कि ये उस केस के दोनों अपराधी हैं, तो इनको अलग-अलग रखा जाए, इनको मिलने ना दिया जाए। ये सब होते हुए भी आखिर वो दिन आया न्यायालय में, और जो मुकदमा चल रहा था दोनों के ऊपर, और लखनऊ जेल में जो दोनों को अलग अलग भी रखा हुआ था, लेकिन मुकदमे के दिन दोनों को ला करके जब जज के सामने लाया गया, जज ने फैसला सुनाया। जज ने जो फैसला सुनाया, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा और सचिंद्र नाथ बख्शी को आजन्म कारावास काला पानी का। बहुत भयानक काला पानी की सजा का नाम सुनते ही आप शायद उसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे, सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, दोनों सजाएं घोषित हो गई, और इसने जज से कहा, सचिंद्र नाथ बख्शी ने, इसको बुरा लगा कि एक को फांसी और मुझे फांसी नहीं। जज को कहा कि भाई एक ही केस, एक ही जुर्म, और उसके लिए ये दो प्रकार की सजा क्यों, ये दो प्रकार की सजाएं ये अलग अलग क्यों भाई, एक ही जुर्म के लिए दो प्रकार की अलग सजाएं क्यों, मुझे भी फांसी दे देते, सेम तो है केस, जुर्म भी सेम है। अब जज ने, यानी कोई फांसी की सजा अपने लिए मांग रहा हो, काला पानी की भयानक होते हुए भी आखिर छूटना था, लेकिन कोई मृत्यु को मांग रहा है कि नहीं मुझे इनके साथ ही आप फांसी पे लटका दो, मुझे अच्छा लगेगा। और अशफाक को कहने लगे, यार तुम तो बाजी मार गए इसमें, मैं पीछे रह गया, तुम पहले जा रहे हो, पहले आओगे, और मैं पता नहीं कब जाऊंगा और कब आऊंगा। भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए तो बहुत समय लगना है, अभी कई जन्म लगेंगे। सचिंद्र नाथ बख्शी ने आजन्म काला पानी की सजा भुगतने के लिए उनको, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में भेज दिया गया, जहां 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई, और इनको
सचिंद्रनाथ पक्षी को शिक्षों में बंद करके काला पानी के लिए भेज दिया गया। इस आजादी की प्राप्ति के लिए इतना बलिदान, इतनी कुर्बानियां, इतना संघर्ष, तन मन धन सर्वस्व लुटाने वाले वो नौजवान, मैंने कई तरह की आयु के उन क्रांतिकारियों को रखा है, खुदीराम बोस से लेकर 80 साल के उस राणा तक, जिसको मैंने बूढ़ा जवान, 80 साल का जवान क्रांतिकारी बोला, क्या कमाल का संघर्ष था उसका। ये सारे लोग जिनके कारण आजादी मिली, और हमें बताया गया आजादी दो लोगों ने लेके दी और कांग्रेस ने लेके दी, विचार करिए जरा, ऐसा कुछ नहीं था। कल एक मैंने गीत आपके सामने रखा था, जैसे कोर्ट से जेल, जेल से कोर्ट जाते, वंदे मातरम, भारत माता की जय और सरफरोशी की तमन्ना गीत शुरू हो गया था, चूंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने रांची जेल के अंदर लिखा था और ये पॉपुलर हो गया था। सरफरोशी की तमन्ना का कल एक अंतरा किसी और कवि शायर का लिखा हुआ, दो लाइनें तो उसी की हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की, तो आज भी मैं उन्हीं दो लाइनों के साथ इसको फिर से आपके सामने एक स्टंजा रखूंगा। और ककोरी केस के साथी जब तक आपके सामने आते जाएंगे, तब तक मैं सरफरोशी की तमन्ना एक एक स्टंजा आपके सामने रखता जाऊंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मातृभूमि एक तोहफा कर कबूल, मातृभूमि एक तोहफा कर कबूल, खून से लिथड़ा हुआ अपना ही सर लाया हूं मैं, खून से लिथड़ा हुआ अपना ही सर लाया हूं मैं, धन्य हूं जो काम आऊं, धन्य हूं जो काम आऊं, देश के इस जन्म में जिंदगी ऐसे न पाऊं, देश के इस जन्म में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये गीत, ये पंक्तियां, ये स्टंजाज अलग अलग ककोरी के साथी जब तक ये फांसी को झूमने वाले, काला पानी की सजा पाने वाले ऐसे महान तपस्वी, मौन तपस्वी, नीम के पत्थर, देश की आज़ादी के दीवाने, मतवाले, मस्ताने, उस जुनून के साथ अपना सर्वस्व निशावर करने वाले लोगों को, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।